चक्रामपुर नरसंहार ओबीसी महासभा और कुशवा समाज ने की नरवर थाना प्रभारी को हटाने की मांग। एसपी को सौंपा ज्ञापन। कुशवा समाज के लोगों को गलत तरीके से फंसाने, झूठे केस दर्ज करने की धमकी देने का लगाया आरोप। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के चक्रामपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग और पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष के चार लोगों की हत्या और दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली मारने के मामले को लेकर शुक्रवार को दूसरे पक्ष के लोगों ने ओबीसी महासभा, भीम आर्मी और कुशवा महासभा के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन देकर इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर कुशवा समाज के लोगों ने नरवर थाना प्रभारी पर कई संगीन आरोप लगाकर उसे थाने से हटाने की मांग की है। इसके लिए ओबीसी महासभा, भीम आर्मी और कुशवा महासभा ने पुलिस अधीक्षक को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 5 दिन में थाना प्रभारी के नहीं हटाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ओबीसी महासभा, भीम आर्मी और कुशवा समाज ने कहा है कि नरवर थाना प्रभारी को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए उच्च स्तरीय जांच टीम गठित करते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाए। 5 दिवस के बाद ओबीसी महासभा, कुशवा समाज और भीम आर्मी संयुक्त रूप से नरवर में कार्यक्रम करेंगे, जिसकी जवाबदेही शिवपुरी पुलिस प्रशासन की होगी। तो इसमें जो वो भोला कहेगा और जो लोग वो पीड़ित परिवार जिनके लोग मरे हैं वो कहेंगे, उनको हम नाम दर्ज करके उसमें जेल में डालेंगे। मैं कहता हूँ कि जो हमारा दिनेश घायल है वो अभी सूची बना के रख देगा 50 आदमी की, तुम उनको गिरफ्तार करो। अभी आपने जमुना भदरिया जब मरे तो यहाँ पे आपने चक्का जाम किया, आचार संहिता लगी है, अलीगल तरीके से चक्का जाम किया। कितने लोग एसपी साहब ने FIR की, कुछ नहीं है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कुछ परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। हम चाहते हैं 15 दिन से जो हमारी मवेशी है भूखी प्यासी है, गांव में पलायन कर चुके हमारे लोग, हम बाबा साहब के अन्यायी है और कानूनी तरीके से चाहते हैं नियमानुसार के हमारे लोग अपने घरों पर रहे और कानून जो सजा दे, जो दोषी है हम नहीं रोकेंगे उनको, दोषी है उनको फांसी चढ़ाए, जेल भेजा। लेकिन निर्दोषों को अगर आपने टच किया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं एसपी साहब को अभी बोले आया उनके दरवाजे में, फिर बोल रहा हूँ कि 5 दिन के अंदर दोषी को आप जेल भेजें। निर्दोषों को प्रयास किया आपने जेल में डालने का, और ठाकुर हमारे बाप है, उन पर FIR होने चाहिए 3 लोगों पर। हम चाहते हैं न्याय प्रिय तरीके से शांति से जो निपटाओ, शांति वालो। आपने थाना प्रभारी को हटाने की मांग, हाँ मांग किया, उसकी मनमानी चल रही है, किसी की भी सूची जहाँ जा सकता है इसको बंद करो, 302 में भेजाओ। क्या मांग की आपने? हमने जी बता दिया आपको, शांति प्रिय लोग हैं और वहाँ पे हमारे लोग स्थापित होना चाहते हैं, मवेशी हमारी भूखी प्यासी है, उनको चारा पानी की व्यवस्था की जाए, जो निर्दोष लोग हैं वे अपने घरों पर रहे, जो दोषी लोग हैं उनको आप जेल भेज दो। अगर आप उनके कहने पर निर्दोष लोगों को जेल भेजोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, मांगे पूरी नहीं होगी। और हमारे जो मकान टूटे गए हैं उनके लिए तो कोर्ट बड़ा है, अब हम कोर्ट में भी जाएंगे कलेक्टर और CEO के खिलाफ पे, तू कितना बड़ा वो है, यहाँ का मजिस्ट्रेट बन रहा है, तेरे को हम कोर्ट में खदेड़ेंगे। और जो हमारी लड़ाई है हजारों की तादाद में अब यहाँ पे होगी, अगर अन्याय हुआ हमारे लोगों के साथ में तो यहाँ पे लड़ाई होगी, SP ऑफिस हो या थाना हो। अभी SP साहब से मेरे सुप्रीम नेता जी, अपने राजेश कुशवा जी और सभी जो बेस्ट अपने नर्वस के लोग हैं सब, तो SP साहब ने आश्वासन दिया है कि सभी लोग गांव में जाकर रहें। अभी क्या गांव जाते ना तो TI साहब भय बना रखे थे कि वो मेरे को भी आरोपी बना दे, कोई भी जाता उसको भी आरोपी बना देते, उससे एक पैसा की मांग करते थे, तो इस कारण कोई गांव में जा नहीं रहा था। तो हम समाज को एक सूचना देना चाह रहे हैं कि सभी लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा पे घर पहुँचें, अब किसी पे कार्रवाई नहीं होगी, जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, अब वो निर्दोषी होगा बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी, अगर कार्रवाई होती है तो हम SP साहब आके बड़ा घेराव करेंगे। और राजेश कुशवाहा जी।